तो के फिर रूप बदलते ये KGM 2014 का सबसे भौकाली ग्रुप, इसको पहले आरकॉप के नाम से जाना जाता था, पर अभी भी जाना जाता अब है टूटा फूटा है। आरकॉप से इसका नाम बदल के सीडो आरकॉप कर दिया है। हम लोग के ग्रुप के बारे में सबसे खास बात यह है कि जब हम लोग की मुलाकात हुई थी तो हम सब एक दूसरे के आस पड़ोसी निकले, बट इनमें एक इंसान ऐसा है जिसकी मुलाकात हमसे कुछ महीनों बाद हुई। उसका नाम क्या है? मुन्ना। सबसे पहला रूम पड़ता था सोमिल का। सोमिल जब आए थे तो बहुत ज्यादा ही क्या थे सोमिल आप? मोटे। अरे हम थोड़ा हुए मोटे थोड़ा नहीं मोटे थे, थोड़े बस जैसे थे, बस थोड़े से मोटे थे। दरवाजे में घुसने में थोड़ी दिक्कत होती थी, बट अभी इन्होंने काफी चीजों में प्रोग्रेस करी है अपने वेट से लेकर, अब साइड होकर ही रूम में घुस पाते हैं। तो मेरा रूम नंबर था 5 नंबर, और जितने भी लोग यहाँ पे सब डरते थे मेरे। पापा से पूरी दुनिया डरती थी, हम लोग भी डरते हैं। क्या कौन? अरे पापा हमारे, अरे पापा। परम पूज्य पापा, हम हमेशा एग्जाम देने जब भी आते थे आशीर्वाद पापा का ही लेके आते थे, और हर एग्जाम में अभी तक पास होते हुए आए और आगे भी पापा का आशीर्वाद लेके जाएंगे। क्यों पापा? बाप को मार रहे हैं भाई। यार देखो फट सबकी रही है, सबका गला सूख रहा है, ठीक है। 4 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला, और अब फेयरवेल का टाइम आ गया तो सब अपना अपना मोमेंट शेयर करेंगे। यार भाई यार देखो तैयारी के टाइम पे तो सब यही बोलते थे कि एडमिशन ले लो, मज़ा मज़ा है। आने के बाद पता चल रहा मज़ा नहीं, साले सजा सजा है सब। और मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा फर्स्ट ईयर के तो रजाई गद्दों को और TG हॉस्टल को, और फिर यार ग्राउंड तो मेरा यूनिवर्सल है, सब जानते हैं। और फिर मेरे पार्टनर बाकी रणविजय, विशाल, शुक्ला, मतलब हिमांशु, सब यार मतलब काफ़ी अच्छा मोमेंट रहा, शेयर किया हम लोग 4 साल, और फिर लाइफ टाइम यार हमेशा मेमोरेबल रहेगा, कभी हमेशा मिस करते रहेंगे यार। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। यही वो जगह है जहाँ पे हमारी 4.5 साल की जर्नी की शुरुआत हुई थी। ये वो जगह है जहाँ से हमारी अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं। यही वो जगह है जहाँ पे हमने अपनी नुक्कड़ की प्रैक्टिस की थी फर्स्ट ईयर में। हम लोगों को सीनियर्स ने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराई थी, हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते थे, बट सीरियसली सबसे ज़्यादा मज़ा हमें इसी में आया। यहाँ पे हमने खूब सारा डांस भी किया था रैप्सोडी में, और बहुत मज़ा आया सीरियसली। हेलो हेलो एवरीवन, दिस इज साइलेंसर फैमिली। साइलेंसर रीजन बीइंग, हम लोगों ने पूरे 4.5 साल में किसी मतलब किसी मेजर चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं किया, और जहाँ पार्टिसिपेट करने की कोशिश की वहाँ कटवा के आए। फर्स्ट ईयर की एक याद है कि गार्ड अंकल को नीचे से ऊपर आना पड़ा था बिकॉज हम लोग के रूम से कुछ भयंकर आवाज़ आ रही थी, एम्पलीफायर किया स्पीकर्स में आ रही थी, स्पीकर्स की आवाज़ आ रही थी, क्या आवाज़ आ रही थी वो अंकल को पता है, हम लोगों को पता है। और एक याद है कि हम लोग जनेश्वर से बहुत मतलब बहुत ही जो इम्पोर्टेंट है, हम लोग पुलिस के द्वारा पीटे गए थे, 1090 चौराहा पे हम लोग पीटे गए थे, जनेश्वर से आ रहे थे, ठेलियाँ ले ली थी, सारे ठेलिया पे लगभग मतलब हमारा पूरा ग्रुप था, 10-12 लोग बैठे हुए थे, अंकल जी को पीछे बैठा दिया था, मेन वाले जो अंकल जी थे उनको बैठा दिया था हम लोगों ने, ठेलिया हम लोग चला रहे थे, फिर 1090 चौराहा पे आए पूरी पुलिस वाले, खूब चिल्ला रहे थे भाई, खूब चिल्ला रहे थे, पुलिस वाले ने देखा लाठी पड़ी हम लोगों के ऊपर। ऐसे बहुत ढेर सारी यादें हैं, भाई लोग तो बहुत अच्छे हैं, अब सबको बहुत मिस करेंगे हम लोग। लेकिन अब चालू करते हैं प्रभात से। प्रभात मेरा रूम पार्टनर है, बहुत अच्छा पार्टनर है, मैं जैसा रूम पार्टनर चाहता था वैसा ही रूम पार्टनर है। लेकिन हम लोग कहीं जाते नहीं है। हाँ गई थी ये बंदी, अगर कोई जाने की कोशिश करता है तो उसे घोड़ा लेके भाग जाता है, और अगर घोड़ा का पीछा करा जाए तो वो घोड़ा काई में घुस जाता है, और अगर लोग वहाँ पे मौजूद हो तो वो घोड़े को बजाते हैं, इसे नहीं। ये हमारी पहली ग्रुप की हमारी चर्सी मेंबर आकर्षी थी, आर सी है ये। और इसके बारे में ये है, 4 चैप्टर हैरिसन, काम इनका रोज का, ना इनको कोई रोके ना किसी ने रोका। ये हमारी दूसरी मेंबर NSR का, आस्थी NSR का, इसका जो नाम है NSR का, ये इसके निकनेम से भी मतलब ओरिजिनल नेम से भी हाँ ओरिजिनल नेम से भी ज़्यादा बड़ा है। और नेक्स्ट है हमारी मोनिका सिंह उर्फ मोना उर्फ मोंटी, डार्लिंग। ये इनसे किसी मूवी के रिव्यू ले लो, किसी एग्ज़ाम का पैटर्न पूछ लो, या टेस्ट में क्या रहा ये पूछ लो, ये हर चीज़ इतना एग्जैगरेट करके बताती है कि आज इन्होंने अपना रिव्यू हो जाता है। हाँ, इन्होंने अपना रिव्यू देने के लिए भी आइडियाज़ खुद ही दिए हैं। ये
हमारी फैमिली टेंट लाइसेंस। हम पहली बार कब मिले? वो पहली बार जब हम मिले हाथों में हाथ। हम लोग फर्स्ट ईयर में मिले थे। हम लोग मिले थे 1905 में, बट फर्स्ट ईयर तुम्हारा शुरू हुआ था रूम नंबर 1 में। मैं और मेरे 5 रूममेट्स, यस आई हैव 5 रूममेट्स। करते तो हम शुरू ग्रॉस नाइट्स थे, लेकिन अल्टीमेटली हम करते थे हॉरर नाइट्स। विक्रम में घूमते थे, मस्त गाने गाते थे, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र। और अब हमारा फर्स्ट ईयर खत्म हुआ, अब हम सेकेंड ईयर में आए। यार अब तो हम सीनियर हो गए थे, लेकिन हमने सेकेंड ईयर में किया क्या? सेकेंड ईयर में तुम लोगों ने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ हम दोनों ने सुबह की क्लासेस जा के तुम सबकी प्रॉक्सी लगाई थी। 14 के सबसे वियर्डेस्ट ग्रुप में आपका स्वागत है। इस ग्रुप में बहुत सारे एंटीक्स हैं जिनसे आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। हम लोगों ने इस दौरान काफ़ी अच्छी मेमोरीज क्रिएट की हैं, और आज हम आपको इनमें से कुछ मेमोरीज के बारे में बताने जा रहे हैं। सो हियर दे आर। इस ग्रुप की खास बात यह है कि इस ग्रुप में के जो मेंबर्स हैं वो क्लास में कम और हॉस्टल में ज़्यादा दिखते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो दूसरों के हॉस्टल के बाहर ज़्यादा दिखते हैं। स्टार्ट करते हैं हरिपाल से। हमको आज भी याद है फर्स्ट ईयर वाला, जब हम ये दोनों आए थे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाने, फिजियो ग्राउंड हमको लेके आए थे, और वहाँ ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ा, कुरील सर हमको पकड़ लिए और कॉन्फिडेंस छोड़ो डंडा खाने की नौबत आ गई। जब जब हमको वेगनार दिखती है पेल्पिटेशन शुरू हो जाता है, और सर से छूटे थे कि सर इस बार जाने दो, 5.5 साल तक हम इधर दिखेंगे नहीं ग्राउंड में। लो आशीष यार तुम भी कुछ बोलो। अरे याद है वो फर्स्ट ईयर की मुल्तानी मिट्टी वाली होली किसी को? हाँ भे, जिसमें बेसिकली सर आ गए थे। आज तक ना वो गड्ढा भरा है न्यू सीवी का, ना हमारी यादें भरी है। अरे तुम लोग बस अब डॉक्यूमेंट्री शुरू हो गई है तो मैं इंट्रोड्यूस करूंगी। ये छुटकी है आकांक्षा हमारे ग्रुप की, इसलिए हमने सबसे ऊपर इसे बिठाया है ताकि हमारे सामने छोटी ना लगे। मैं जिद करके ऊपर बैठी हूं, ठीक है। और ये है मेरी न्यू रूममेट मेघना। हाय मेघना, बोल रही है सबको। हाय। तो साथ में मिलके हम दोनों बस सोते रहते हैं दिन भर। हम सोते रहते हैं मिलके, और आज भी हमने एग्जाम जो है सो के दिया है। ऑर्थो का वाइवा जो कि दैट टर्नड इनटू एमसीक्यू, वो हमने दिया है। और वलीना के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। वलीना 4 सालों में सारी शर्मा की चाय पी गई है, और सारा टाइम ये बाहर रहती है, बस एग्जाम टाइम में ये पढ़ती है, बहुत सारा पढ़ती है। और मेघना, मेघना के लिए मैं, मेरे लिए मेघना। हम लोग एमटीवी के बाहर बैठ करके सबको देखते हैं कि हाँ ये कपल जा रहा है, ये लोग पढ़ के आ रहे होंगे ना, रीडिंग रूम से आ रहे होंगे, कोई हमारी तरह चाय पीकर के टाइम वेस्ट कर रहा होगा। यार हम इतना टाइम कैसे वेस्ट करते हैं, बस साथ में रिग्रेट करते हैं और फिर वही रिपीट करते हैं, हमेशा से वही करते हैं। फिर हमने बहुत सारी प्लेसेस भी एक्सप्लोर की हैं, पूरा कैंपस हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है, कोई जगह नहीं छोड़ी होगी टंकी को मिला के। टंकी ये बेस्ट एक्सपीरियंस, वहाँ से सबसे अच्छा व्यू आता है, और हम तीनों की बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है वहाँ से। ये सलाम रितेश, किधर रह गया है? अबे यार अभी 10 का बजा है, 10 से पहले पहचानता कहाँ है? देख आ गया साला। कहाँ था? अबे ड्यूटी पे यार। भाई अपना डेडिकेटेड बंदा है, क्लास जाए ना जाए ड्यूटी कभी नहीं छोड़ता है। सामने पेश है बाबा अपने इतने भोकाली, फर्स्ट ईयर में सीनियर कर्मचारी बोले हैं। बाबा अपने इतने भोकाली, सोते एसपी में उठते वीएल में। बाबा अपने इतने भोकाली कि रात को दिखते ही नहीं। इस बार तो तू ट्रिप पे चलेगा। अबे यार अब्बा नहीं मानेंगे। ये है फरहान, बैच के स्टैंड अप कॉमिक उर्फ सस्ते जाकिर खान। बहुत बोला है, बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है। एफबी के डीपी पे। और इनकी आवाज की तो क्या कहने, फर्स्ट सीट पे टीचर की आवाज आए या ना आए, लास्ट सीट से फरहान खान की जरूर आती है। भाई के लिए भी कुछ बोल दो यार। इसके बारे में क्या बोले यार, ही इज टू नॉर्मल टू मेक जोक्स। थोड़ी तारीफ ही कर दो यार। अच्छा तो तुझे तारीफ चाहिए तो तू सुन, अबे भाई अपना बहुत टैलेंटेड है कमरे से बाहर निकालने में। अरे भाई अपना बहुत हेल्पफुल है सिर्फ एग्जाम्स में। अरे भाई अपना बहुत मासूम है सिर्फ शक्ल से। अबे भाई अपना चर्सी है। अबे रहने दे, कितनी झूठी तारीफ करेगा यार। हमारी जिंदगी यहीं से शुरू हुई थी 2014 में, और हमारे फ्रेंड्स एक बार हम लोग सब शिमला घूमने गए हुए थे, तो वहाँ पर शाम को फोटो देख रहे थे दिन भर की, तो मयंक गुप्ता आए और बोले ये कौन बैठी है, बहुत माल लग रही है, बहुत माल लग रही है, और जूम करके देखा तो इसी की फोटो थी। तो आइए
आपको मिलाते हैं अपने प्लस वन से। ये कौन है? रॉकेट प्लस है। ये कौन है भाई? अरे दा ऋषभ मिश्रा। अब ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? अरे वही लड़का जो चना खाता है, चना ना खाए तो कमजोरी लगने लगती है। ये बदन दर्द हो रहा है। जीवन में एक ही इच्छा है, बॉडी बनाने की। मिश्रा से यही बोलना पूछा चाहूंगा कि जो प्रोटीन मंगाता है वो प्रोटीन जाता कहाँ है? ये हमारी लेके 10 स्कूप बैठे हैं, अभी तक लौटाए नहीं है। अच्छा मैं ध्रुव से पूछना चाहता हूँ, मतलब जब मैं उसको देखता हूँ तो देखता हूँ कि वो 1 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। तो इस सेहत का राज क्या है? सेहत का राज क्या है? प्यार है तुम लोगों का। अब लोग CS खेलते थे टीजी में रातों में, ठीक है? तो एक रात को हम बहुत दो कमरे में बैठ के बहुत तेज तेज चिल्ला चिल्ला के खेल रहे थे, हमारी आवाज़ें बाहर तक चली गई। तो एकदम से तेरा के बॉस, तेरा बैच के बॉस नहीं हो रहा था। अबे मेरे पास चिप्स का पैकेट था। कॉरिडोर में लड़ रहे अपने चिप्स के लिए, यहाँ से एक वरांडा में तेरा वाले बॉस आ गए, साले कौन आवाज कर रहा है ये वो, उनकी आवाज सुन के एक और BDS के बॉस आए, उनसे सीनियर कहने साले तू की आवाज कर रहा है, उनको देख के एक और सीनियर आए कहने साले तू की बोल रहा है, और सब सीनियर बरामदे में आके एक दूसरे से लड़ रहे हैं, BDS वाले तेरा वालों से लड़ रहे हैं, तेरा वाले BDS वालों से लड़ रहे हैं, और हम लोग अपनी लाइट बंद करके चुपचाप बैठे हुए, और ये दोनों अपने चिप्स के पैकेट को नीचे में कॉरिडोर में लेट के उसी चिप्स के पैकेट पे लड़े पड़े हैं वहीं पे। जब मैं आया था तो सबसे पहला दोस्त मेरा यही था, और क्या कहते हैं, लेकिन अकेला बनता है जो फिजियो में 2 बार झापड़ खाया है, एक बार जगदीश सर से। अकेला ऐसा बनता है जो मोस्ट ऑफ द ओकेजंस पे गायब रहता है। ये KGMU के ब्रांड एम्बेसडर है चाय के। अगर कोई भी इनका पोस्ट देख लो, कुछ भी देख लो, इट्स ऑलवेज अबाउट चाय। हैशटैग आप जॉर्जियन है, भाई का पेज लाइक लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। कुछ मिस करें या ना करें, चाय बहुत मिस करेंगे। चाय से ज़्यादा तो ये साथ मिस करेंगे यार हम लोग। मायसेल्फ विनोद सिंह फ्रॉम वीरो की नगरी। जैसा कि लास्ट ईयर हमारे पूरे बैच ने एक कल्चरल इवेंट ऑर्गेनाइज कराया था, उस कल्चरल इवेंट के दौरान ऐसा लगता था कि घर में शादी हो और पैसा बिल्कुल ना हो। फिर भी सबके साथ से और सबके सहयोग से इवेंट अच्छा रहा। उस इवेंट के दौरान एक कहावत सुना है कि जोड़ियां तो ऊपर वाला बना के भेजता है, लेकिन हकीकत में मैंने देखा है कि बहुत सी शादियां, बहुत सी जोड़ियां अपने कॉलेज के इवेंट के दौरान बनती हैं, लेकिन विनोद की जोड़ी नहीं बनी। मायसेल्फ सतीश, मैं उस जगह से बिलोंग करता हूं जहां तीनों नदियां मिलती हैं। उसी प्रकार जूनियर्स, सीनियर्स एंड टीचर्स का परस्पर संगम होता है, और हम लोग यह हमेशा याद रखेंगे। हाय दोस्तों, सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा अपने इस बच्चे के लिए, हमारे ग्रुप का सबसे छोटा बच्चा है, देखो अभी भी चड्डी बन के बैठा है। और दूसरी बात ये PD जो मतलब पैदा ही लाउड स्पीकर के साथ हुआ था, मतलब जब ये रोया था ना तो पूरा मथुरा जान गया था कि हाँ कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। द मयंक हाइजीन भैया द मयंक, इनको हर चीज़ में हाइजीन चाहिए, गोरे चिकने गाल की तरह इनको हर चीज़ में हाइजीन। उसके बाद ये हमारा पार्टनर दक्ष है, बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा कुछ नहीं है कि, लेकिन हाँ ये जो है थोड़ी सी अभी भी बच्चे वाली हरकत करते हैं इन्होंने। मैं राहुल के बारे में एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये नर जो है सिर्फ 2 चीज़ों के लिए हॉस्टल से बाहर निकलता है, और दूसरा है भोजन, और पहला आप सोच लो। इनको अगर कहीं बाहर खाने जाएंगे तो पहले तो कहेंगे कि मुझे यार भूख नहीं है, लेकिन अगर कुछ खाने का आ गया तो यार मैं भी ले लूँ क्या, और खाने के बाद भी एक और चाहिए, एक और मंगा दो यार। अपने बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ, जैसे ये बोल रहे थे खाने के लिए, क्योंकि मेरे को जब भूख नहीं लग रही होती है तब मैं ज़्यादा खाता हूँ नॉर्मली। ठाकुर की ये बात है, ठाकुर से ज़्यादा डिसिप्लिन बंदा मैंने आज तक नहीं देखा भाई, और वो अकेला बंदा जिसकी पैंट उल्टा कराने के बजाय लेंथन करानी पड़ेगी। पूरी लाइफ इसने सिर्फ एक पेन यूज़ किया है, बटरफ्लो, उसके अलावा इसके पास और कोई पेन नहीं है, ना ही यूज़ करना चाहता है। एक ही
बार-बार एक ही नाई के पास जा गया है, छोटे से बचपन से लेके अभी तक एक ही नाई के पास गया, उसके पास जाता है। इसने जब सबसे पहले बाइक ली थी अपनी, ठीक है, इसने मुझे बताया था इसने सबसे पहले बाइक ली थी, पूरे घर तक ये फर्स्ट गियर में चलाई थी, क्योंकि इसे पता नहीं था कि सेकंड गियर कैसे लगाऊं मैं। अबे इसकी बाइक ऊपर 40 के ऊपर बंद हो गई, मैं चला रहा था 40 के ऊपर गई गाड़ी बंद हो गई। गौरव, गौरव का अलार्म भैया सुबह 7 बजे बजना शुरू होता है, 11 बज जाता है भाई, हिलता नहीं है, और हिलता भी है तो उठेगा कोनी नाक पे मारेगा, उठ के सो जाएगा। भाई अपना संतरा तो ऐसे मुंह में लेता है जैसे मूंगफली चने चुग रहा हो। गौरव की खास बात यह है, इसने खुद बोला है, इसकी खास बात यह पूरा का पूरा संतरा एक साथ मुंह में ले सकता है। कोई और करके दिखा दे तो बता दे भैया। अरे किसी को याद है कि फर्स्ट ईयर में किसने सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट एक साथ मास्क भेजी थी? सबसे ज्यादा सोशल बंदा है हमारे कॉलेज का, एक साथ सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, और ये किसी मैम को नहीं छोड़ा। मैम, सर, प्रोफेसर। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, इनका नाम है डॉक्टर MCH। ये MBBS करते करते इनको MCH की डिग्री मिल चुकी है, अब रविंदर बोले तो MCH, समझे। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि हमारे बैच की जितनी भी छोटी लड़कियाँ हैं, डॉक्टर को सभी ने ब्लॉक किया, लाइन से सब ने ब्लॉक किया। डॉक्टर को लगभग हर दूसरी लड़की पर क्रश हो जाता है, आज नहीं तो कल इसके लिए एक दूसरा क्रश मिल ही जाता है इसको कभी ना कभी। ये हमारे गुप्ता जी हैं, छोटू मोटू गुप्ता जी, जिनके पेट्रोल में जिनके पेट्रोल हमेशा ख़त्म रहती है, भराते हैं 50 रुपये का वो खत्म हो जाता है, जहाँ और कटिंग चाय पीता सर्जरी में जाके वो भी कहते पैसे नहीं है भाई, पैसे दे दो यार, तुम पेट का देना भाई पैसे। भाई ये बहुत फट्टू है। जहाँ लड़ाई चालू हुई वहाँ से भागा भाई, तुरंत भागा, ये देखना चालू करे कि गुप्ता है किधर, गुप्ता को बुलाओ, गुप्ता भाई तुरंत भागा। ये नग्गू है हमारे ग्रुप का, सबसे ज़्यादा कांड अगर किसी ने किया होगा तो वो नागेंद्र होगा। एक बार बात है कि ये अपना बाइक को कलाम सेंटर में जाके पार्क कर दिया था और वहाँ से क्लास करके वापस आ गया, शाम को अपना बाइक ढूंढ रहा था तो उसको बाइक मिला नहीं यहाँ पे, तो फिर बवाल हो गया कि इसका बाइक चोरी हो गया। फिर इसके चक्कर में नया रूल बना कि SP का गेट 10 बजे के बाद बंद हो जाएगा, तो ये इसके वजह से बना है ये रूल। इनका मुझे एक कांड याद आता है, ये इलाहाबाद बैंक गए हुए थे तो वहाँ पे इन्होंने अपना हेलमेट ढूंढ दिया, फिर वहाँ पे CCTV फुटेज निकलवा रहे हैं और मैनेजर से बात कर रहे हैं कि हेलमेट कहाँ है, हेलमेट कहाँ है, इन्होंने 3-4 घंटे परेशान किया और पता चला ये हेलमेट रूम पे ही छोड़ के गए थे। और ये है हमारे ग्रुप की KK, द कल्लू, द केक। एज इफ मैं किसी को काटती हूँ जगह। ये है प्रतिभा, उर्फ टैलेंट, टल्लू इज द नेम, बट दैट डज नॉट मीन कि ये टल्ली रहती है, बट टैलेंट मतलब इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, बस कमी किस बात की है, उभर नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि सोता रहता है। हम इंट्रोड्यूस कराते हैं आपको वैशाली और भैंसू और भैंसिया, और इनकी शक्ल पे बिल्कुल मत जाइए, ये हमारे ग्रुप की सबसे हेल्दी मेंबर है, और मैं बहुत सीधी हूँ, वो आपको ऐसा पता नहीं कि कितनी सीधी है, इतनी सीधी है जलेबी की तरह एकदम कि खुद ही इंट्रो देना पड़ रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं दी जितनी मैंने इसकी दी है कि ये रिलेशनशिप में नहीं है। पूरे बैच में सबको ये लगता है कि इसके 15-16 बॉयफ्रेंड्स, 15 बॉयफ्रेंड्स हैं, क्योंकि 10 बजे बात करना शुरू करती है, 2 बजे ख़त्म करती है अपनी बातें करना, पहले मम्मी से करेगी, फिर पापा से करेगी, फिर छोटी से करेगी, फिर दीदी से करेगी, इतने में 2 तो बज ही जाता है, पूरे बैच को लगता है ये एक ही बंदे से मतलब 15-16 लड़कों से बात कर रही होती है। ये तो हमारे और एक मेंबर रह गया है, वो है अपर्णा, हमें यहाँ पे नॉलेज मिली टीचर्स से और विजडम मिला इनसे, जिनके कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही बहुत ही क्लियर है और हमारी आंखें उसी तरह खुल गई है कि आज तक बंद नहीं हो पा रही। अच्छा, और हमारी मिस आस्था ने इनको रिसर्च करने का बहुत ज़्यादा शौक है, बहुत ज़्यादा, मतलब पढ़ाई की रिसर्च तो करती करती है, साथ में अच्छे अच्छे सेलेब्स पे भी रिसर्च करती है, नेहरू फैमिली पे इन्होंने रिसर्च की, हमें बताया, हमारी आंखें खोल दी, हम इतना रिस्पेक्ट आ गया ना उसका, रिस्पेक्ट यहाँ से वहाँ पहुँच गया है। मैं अपने रूम पार्टनर के बारे में बताना चाहूँगा जो कि कौशल खड़ा है, तो एक बार हम लोग क्या नाम है, फर्स्ट ईयर की मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में हम लोग कहीं हजरतगंज गए थे, हजरतगंज से आ रहे थे वापस,
हम थे जस्ट बगल में बैठा था, सामने बुजुर्ग बैठे थे, फिर उसके बाद घंटी बजी इसकी फ़ोन की, फोन घंटी बजी और बजते ही इसने बोला हाँ बाबू, हाँ बाबू 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 बस चार मिनट पहुँचा बाबू, अरे बाबू बाबू, लड़कियाँ बदल गई लेकिन क्योंकि मुँह मुँह खत्म नहीं हुआ। चलिए अब हम बताते हैं प्रखर के बारे में। बाबा उर्फ बाबा हमारे, अगर आप कभी परेशान हो, मजे लेने हो, तो सीधे इनके पास चले जाइए, पूरा मजा देते हैं। और मैं एक आखिरी चीज़ गौतम के बारे में बोलना चाहता हूँ। गौतम जो है हमेशा जब भी पार्टी देने की बात होती थी तो गौतम से हम यही पूछते थे, भाई फालतू जो लड़की को जानता नहीं उनको पार्टी क्यों दे रहा है? तो गौतम बोलता था, भाई जब तक हम किसी लड़की को पार्टी दे देंगे तो हमको कहाँ पे बुलाएगी। ठीक है, तो इनकी पता नहीं अलग ही स्ट्रेटेजी होती थी पटाने की, लेकिन लड़की पटाने की, वो हमेशा फेल हो जाते थे। लेकिन ये हमारे ग्रुप के हैं प्लान मैनेजर हैं, जहाँ भी हम घूमने जाते हैं ये सारे प्लान यही डिसाइड करती है। ये हमारे ग्रुप का वो है, क्या बोलते हैं आप, सितारा है, एकमात्र ऑनरेबल चीज़ है ये। कोई भी एग्जाम होता है हर एग्जाम में टॉप करती है। ये हमारे ग्रुप के सेनापति, हाथ हिला दो। जहाँ भी जंग लड़ने जाते हैं ये सबसे आगे होते हैं, ये हमारे लिए हुक्म का इक्का है। इसे हम हमेशा आखिरी में छोड़ते हैं। ये हमारे ग्रुप के हैं स्यूडो भोकाली हैं, भोकाल है नहीं पर भोकाल बहुत दिखाते रहते हैं अपना। ये हमारे ग्रुप की सुपर टैलेंटेड लेडी है, इसे आप कुछ भी करा लीजिए, हर चीज में टैलेंटेड है, हर चीज़। ये खाने में भी अव्वल है। हाँ, खाने में भी अव्वल है, ये ऑलराउंडर है लड़की। मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी, इनके हर लाइन की शुरुआत एक लंबे से यार से होती है। और ये लड़की यार बहुत दुष्ट टाइप की है, इसने पेपर में पढ़ने के लिए मुझे इतना जगाया है, इतना जगाया है, मैंने इसके आँखों में झंडू बाम भी लगवाया है जगाने के लिए, वरना फेल हो जाती तुम। मार भी खाई होगी मैंने पक्का पक्का, ऐसे ऐसे मेरे काम रहते हैं लोग मुझे इतना झेलते इतना झेलते हैं। लेकिन तब भी दिल की बहुत अच्छी है, ये मजबूरी में कह रहे हैं। अरे इमोशनल लग रहा है। अब रोहित के बारे में हम बता दें, रोहित समझदार लगते हैं, पता नहीं है भी कि नहीं है। ये एक छोटी सी फैमिली है जो मैंने यहाँ पे पाई है, और मैं चाहूँगी लाइफ टाइम हमेशा ये फैमिली मेरे साथ रहे। हाय गाइस, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मेरा नाम अभिषेक सोडियान है और ये लोग सब मेरे फ्रेंड्स हैं, और मेरा हमारा बहुत अच्छा एक ग्रुप है, हमारी बहुत अच्छी मेमोरीज भी है केजीएमसी में, बहुत अच्छे बहुत चीज़ें हमने बहुत साथ बिताई हैं, और बहुत सुख भी हैं दुख भी हैं। और सबसे पहले तो यही बताऊँगा, जब फर्स्ट ईयर में आया तो हम एक जेल की तरह बंद रहते थे, सेकेंड ईयर में आया तो मुझे सिंगर बनने का बहुत शौक चढ़ा भाई। पहली बार शौक था नया ना कि भाई गाना गाना है। अब उसके बाद जैसे स्टेज पर गया मेरी फटके हाथ में आ गई, मैं नहीं कर पाया। चलो उसके बाद पहुंचे थर्ड ईयर में पहुंचने के बाद मुझे शौक चढ़ा बॉडी बिल्डिंग का। बॉडी बिल्डिंग के मुझे फायदे भी बहुत मिले और बॉडी बिल्डिंग के मुझे नुकसान भी बहुत मिले। बॉडी बिल्डिंग के फायदे मुझे मिले, हाँ लड़कियां बहुत मिली, बहुत प्रपोजल भी मुझे आए, वो बात अलग है, मेरी क्लास में आज तक मेरी कोई नहीं है। और नुकसान ये हुए कि मुझे आज भी मुझे मेरे पीछे इतने गे पड़े कि मैं बता नहीं सकता। आप देख रहे सारा का सूरा मेरठ गैंग बैठा हुआ है, पर इसमें डकैत मैं ही हूँ अकेला। मैं बताना चाहूँगा हमारे फर्स्ट ईयर के ग्रैंड जीपीएल के बारे में। जीपीएल तो सबका होता है, हमारे में ग्रैंड जीपीएल हुआ था। अबेड के बर्थडे से जीपीएल शुरू हुआ, वो हर एक बच्चे में जबरदस्ती दरवाजा तोड़ तोड़ के बच्चों को निकाला गया था। कुछ तो उसमें सो रहे थे, उनको तब पता चला जब उनके पिछवाड़े पे लातें पड़ने लगी कि ये हो क्या रहा है। अबे कुछ सेकंड ईयर की भी बातें बताओ। अरे यार सेकंड ईयर तो पूरा सोने में ही बीत गया। अबे सेकंड ईयर में सिंगल रूम मिला और तुम सोने में बिता दिए। और चौधरी तुम्हारा क्या रहा सेकंड ईयर में? सुने पहला प्यार तुम्हें सेकंड ईयर में ही हुआ था। चलो अबे मैंने देखो बिग बैंग थ्योरी के 8 सीजन, फ्रेंड्स के 7 सीजन, गेम ऑफ थ्रोन्स के 6 सीजन और मदर के 6 सीजन। तो साले बचा क्या? वैसे मेरे कॉलेज में तो बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई हैं, कैंपस में सारे डिपार्टमेंटों में जुड़ी हुई हैं, लेकिन एक सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है जिससे मेरी बहुत गहरी यादें जुड़ी हुई हैं, वो SPM डिपार्टमेंट है। अच्छा SPM, ओके। और बाकी मैं क्या कहूँ, मेरी तो वैसे भी कॉलेज कैंपस से इतनी जान पहचान पेड़ पौधों से, मुझे अपनी टेंशन कम हो रही, लेकिन कॉलेज की ये हरे भरे पेड़ पौधों की ज़्यादा टेंशन हो रही है। मेरे जाने के बाद इन सब पेड़ पौधों का क्या होगा, क्योंकि यहाँ के पेड़ पौधे इन पत्तियाँ भी मेरा नाम बोलती हैं। इन पेड़ पौधों को पानी तो यही डालते हैं। मेरे बारे में भी कुछ बोलो, मतलब एक दूसरे के बारे में बोले जा रहे हो। इसके बारे में भी बोलते हैं। पैसे दिए मैंने तुम लोगों को यार। आकांक्षा की जो एकदम नेचुरल बाल है
बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, एकदम नेचुरल कोमल पांडे लुक है आकांक्षा के पास। इसने अपनी किडनी बेच के ये बाल करवाए हैं, उसके बाद भी ये बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है कि हंसी नहीं रुकी थी मेरी जब मैंने इसको देखा इसके लुक में, तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। शी इज माई पार्टनर इन क्राइम, तो जो गंदा है इसके साथ गंदा है, जो अच्छा है इसके साथ अच्छा है, तो सब कुछ मेरे साथ भी अच्छा है, तो दैट्स इट। और बहुत अच्छी जर्नी रही है इस कॉलेज में, सब कुछ मैनेज कर लेती है। सुनो, तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है मुझे लगता है, अब हो गई तारीफ, बहुत कुछ अच्छा है लोग बता नहीं पा रहे हैं, मैं बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। वार्ड वाला आ गया, चलो इसको गांधी वार्ड में। अबे ये गांधी वार्ड वाला आ गया, गांधी वार्ड कहाँ है? ये सामने है भाई, आप रहने दीजिए, हम खुद ही चले चले जाओ, चले जाओ, मिल जाए तो हमको भी बता देना। ये लोगों को गांधी वार्ड बेचते बेचते हमको लग रहा है हम ही गांधी वार्ड में चले जाएं किसी दिन। क्या ही बताए, बस भी कुछ बता दो कॉलेज के बारे में। यार मुझे तो भाई वो डीएच वाली बातें बहुत याद आती हैं। ऐसा क्या हुआ था? अरे परवेश भाई ऐसा क्या हुआ था डीएच में? हुआ कुछ नहीं इसीलिए तो याद आता। बहुत सही ना। लेकिन परवेश भाई ने हार नहीं मानी। आदिल, अरे हार के जीतने वाले को ही तो कहते हैं क्या आदिल। आज भी अगर एफबी पे देखोगे तो एक ही बंदा मिलेगा तुम्हें, म्यूचुअल फंड में परवेज आलम। वैसे डीएच की कमी अब भी पूरा करने के लिए मेडिसिन में ट्राई करता है। यानी जल्दी कैसे उठ गए आज सो के आप? अबे जब जब दुनिया सोती है तो हम जगते हैं। अच्छा, इनको देखो है, तुम उठ गए हो आज, तुम लगता है बेटा उठ गए हो। सो फर्स्ट ईयर में एक रूमर फैली थी कि वासव की बचपन में शादी हो चुकी है, बाल विवाह हो चुका है। अबे हाँ, ये रूमर तो है। पूरे लड़कियों के हॉस्टल में तहलका मच गया। वासव तो जिम फ्रीक भी ना, कुशाक बताओ जरा उस बारे में। हाँ जिम फ्रीक, हम लोग की एक ट्रिप थी सिक्किम की जो मेरे ख्याल से मोस्ट मेमोरेबल थी। भाई ने वो छोड़ करके खाली अपने डोले बनाए। और मुझे वासव को फीफा में बुरी तरह हराना हमेशा याद रहेगा। बात है तिवारी पे, तिवारी की एक बात है, बहुत अच्छा रूममेट है, बट 4 बजे मैं पानी पीने के लिए उठा तो भाई पड़ता मिलता है, अगला मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। के बनता मुझसे ऑलरेडी 4 घंटे आगे, बस इसकी एक प्रॉब्लम है, ये सुबह 4-4 बजे उठ के पड़ता है। तिवारी, अगर हम सब में से किसी की जो प्रैक्टिस चलेगी ना वो तिवारी की चलेगी, क्योंकि भाई लखीमपुर से मरीज भर भर के गाड़ी में लेके आता है। बात फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक की बात है। गौतम, हर बार जब भी किसी ऐसे कई लड़कों से डेट किया, हमारा लड़का काफी हैंडसम है। जब भी आता था बेचारा, हम लोग पूछते थे, हम लोग पूरा ग्रुप लगाते थे, भाई आज फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, भाई 2014 में क्या हुआ, भाई 2015 में क्या हुआ। हर बार हम लोग ऐसे पंजनामा बैठाते थे रात में, गौतम रोज कहानी बैठा कट रहा होगा, अरे यार कुछ नहीं छोड़ दिया, बस उसे काट दिया उसका, अंदर से पता भाई का कटा है। अच्छा, किसी को मेल टाइप एनिमल बिहेवियर अगर किसी सीखना हो तो कौशल सीखना चाहिए। ये बंदा क्या करता है कि नॉर्मल डांस करेगा, बड़ा लगता है कि एनर्जी नहीं है इसके अंदर, बड़ा सुस्त तरीके से डांस करता है, और जैसे स्टेज पे लड़कियां आती हैं तो रोबोट डांस। और यार जूही, तुम्हें याद है फर्स्ट ईयर क्या, इनफैक्ट हर साल हमारा जो पेपर टाइम होता है वो ट्रॉमा में बीता था। हमारी तो हिस्ट्री यही है कि यहाँ एग्जाम का सीजन शुरू होता है, वहाँ हमारे घर वाले या किसी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। भगवान का शुक्र है कि इस साल अभी तक कुछ नहीं हुआ, ना हो आगे, यही चाहते हैं। अगर इस बार हो गया ना तो सीधे ऊपर जाएंगे। एक चीज़ जो मैं इन बंदियों के बारे में कहूँगा, जो मेरी अच्छी अच्छी ट्रिप्स हुई हैं पूरे लखनऊ में, आउटसाइड लखनऊ, वो इन्हीं बंदियों के कारण हुई हैं। मैं फर्स्ट ईयर में कैसा था और फाइनल ईयर में कैसा, वो काफ़ी हद तक कि चेंज जो आया मेरे अंदर इन्हीं लोगों के कारण आया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सबसे ज़्यादा टीजी हॉस्टल को मिस करूँगा और सबसे ज़्यादा अपने सुनील भाई के रूम नंबर 615 को मिस करूँगा। क्योंकि हम लोग ने साथ क्योंकि वहाँ पे मुर्गे की इतनी रेसिपी का आविष्कार हुआ है कि हम कभी भूल नहीं पाए। सेफ भी बने हमारे, एक हमारे एक कुक है, सबसे बेस्ट कुक है हमारे। और जब हम लोग रात को निकलते थे लखनऊ घूमने के लिए, रात को 12 बजे के बाद बाइक लेके निकलते थे, तो उस सबको मैं बहुत मिस करने वाला हूँ, और इस कॉलेज को तो हमेशा ही मिस करूँगा। हेलो गाइस, मनीष फ्रॉम जौनपुर। मैं कॉलेज की स्पोर्ट को बहुत मिस करूँगा, जो मेरी लाइफ का बहुत काफ़ी अच्छा समय रहा।
और मैं कॉलेज के जो इवेंट हुए, हम लोग जो मिल के काम किए, हम सब मिल के जो काम किए अपने कॉलेज के लिए, जो इवेंट के लिए ऑर्गेनाइज़ करवाए थे, इतना अच्छा हुआ, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। हेलो दोस्तों, यहाँ कॉलेज तो बहुत याद आएगा यहाँ से जाने के बाद, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे दोस्त बने, बहुत अच्छी अच्छी ट्रिप्स रहीं, जिसमें से सबसे अच्छी ट्रिप्स गोवा की ट्रिप रही। गोवा की ट्रिप लास्ट के एक घंटे में बनी थी, हमारी कम से कम तो लास्ट के एक घंटे में बनी थी, पैसे भी नहीं थे, वो तो सीनियर्स के सपोर्ट्स के कारण पैसे अरेंज हो गए। ट्रेन छूटने वाली थी, ट्रेन भी छूटने वाली थी, पैदल गए थे चार बाग, कम से कम पैदल ही गए थे चार बाग, और ट्रेन चल रही थी तो हम लोग दौड़ के उसमें पहुंचे। सबकी खासियत बताना चाहूंगा यहाँ पर मैं, यहाँ हमारे सतीश भाई हैं, फर्स्ट ईयर में इनका शंखनाद बहुत फेमस था, और यहाँ हमारे सुनील भाई हैं, स्लो मोशन के मामले में सुनील भाई को कोई टक्कर नहीं दे सकता, ठीक है। मनोज है यहाँ, मैं इनका रूममेट हूँ। हम अनीस भाई हमेशा मोरल सपोर्ट के लिए हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा जब भी मैं गलती करता हूँ तो मोरल सपोर्ट करते हैं। अब विनोद, उम्र 55 भी हो गई है, लेकिन इनको लगता है कि कल ही पैदा हुए जब ये सेव करके आते हैं। और हमारे सूरज भाई हमेशा कल लेक्चर करना है, जरूर करना है, बंक ब्रेक करता है, हमेशा बंक ब्रेक करते हैं, और इनको तो पीटा जाना चाहिए बंक ब्रेक करने के लिए, और इनका सामूहिक जीपीएल किया जाएगा फेयरवेल वाले के दिन। हाय गाइस, माय सेल्फ सुनील, फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक ऐसे तो हम लोग ने बहुत सारी मस्तियाँ की हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा हम लोग को जो याद आएगा, हम लोग रात के 2 बजे भी अगर चाय पीना होता तो हम लोग गोमती नगर जाते थे, डीपी पूल जाते थे चाय पीने और इन्जॉय करने। हेलो एवरीवन, मैं बताना चाहूँगा अपना बेस्ट एक्सपीरियंस। ये हुआ था फर्स्ट ईयर में, एग्ज़ाम था 24 जुलाई को, और मुझे लगा था कि मेरा बर्थडे नहीं बनेगा, लेकिन रात के 12 बजे ये लोग लेकर आए बाहर से आइसक्रीम वाला केक, तो कट भी नहीं रहा था इतना टाइट। यार मेरा सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही है कि मैं इस ग्रुप से जुड़ा, मैं लाइफ में इससे पहले कभी उतनी मस्ती नहीं किया जितना इस ग्रुप के जुड़ने के बाद किया। ग्रुप की अमेजिंग बात बताएं, और सबको अगर एक पोजीशन के हिसाब से बताएं तो सबसे ग्रुप के सबसे बड़े भैया के तौर पे सुधांशु भैया और सबसे दुलारे अर्पित, दो बॉडी बिल्डर अज्जू और अभिषेक, और हमारे साधु भैया शेखर। वैसे तो इस कॉलेज में सब बहुत कुछ है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, पर कुछ लोगों के बारे में कुछ बातें मुझे श्योर हमेशा याद रहेंगी। जैसे अब्बू हमेशा टाइम पे रेडी होती है और मैं हमेशा लेट होती हूँ, और अब्बू हमेशा फिर नीचे आके मुझे बोलती है रानी तो लेट हो जाएगी, और रानी उसके बाद भी लेट होती है। और जब मैं हमेशा कोई भी शरारत करने वाली होती हूँ अब्बू हमेशा टोकती है। हमारे ग्रुप की मोस्ट सिंसियर बंदी है, इतनी सिंसियर है कि इसने आज तक ग्रॉस से एक पन्ना भी नहीं फाड़ा, लिटरली इसने आज तक एक फेक साइन भी नहीं किया, मतलब हद है लड़की की। और हमारे ग्रुप की सबसे बड़ी ट्यूबलाइट है ये श्रुति, जोक खत्म हो जाता है और इसे समझ ही नहीं आता कि जोक क्या था, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जोक इसी पे होता है। पता है हमारे ग्रुप में सबसे होमसिक बच्चा कौन है? ऐश्वर्या। जब देखो इसे मम्मी के पास जाना होता है, जब देखो इसे घर जाना होता है, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक ये चेंज ही नहीं हुआ, इसे घर ही जाना होता है हमेशा। सबसे नखरेबाज लड़की है, बट एट द एंड सबसे परफेक्ट होती है। पता है मेरे और अप्पू का क्या होता है, हम लोग हमेशा रात में डिसाइड करते हैं कि सुबह से वॉक करने जाएंगे, लेकिन इतने आलसी हम कभी बदले नहीं हो सकते। और हमारे ग्रुप की परफेक्शनिस्ट है रानी, और रानी मतलब अगर तुम्हें कोई भी हेयर स्टाइल चाहिए, यू नीड एनीथिंग, शी कैन लाइक टर्न वेस्ट इनटू गोल्ड। उसने मेरे बर्थडे पे शी मेड रोजेस एंड आई स्टिल कांट बिलीव कि उसने वो मार्केट से नहीं लाई है, दे आर सो प्रिटी, क्योंकि वो एक एक मिलीमीटर नाप के बनाती है, लिटरली वर्नियर कैलिपर लेके रख के नाप के बनाती है। और श्रुति के बारे में एक और बात, ये मैडम ऐसा सोती है कि ये किसी भी सिचुएशन में कहीं भी किसी भी वक्त कहीं भी कैसे भी सो सकती है, और दुनिया से मतलब ही नहीं है, दीन दुनिया में क्या चल रहा है भैया, और जब गाती है तो बस मन कर तक सब कुछ शांत हो जाए, बस वो गाती रहे।
क्या होता था कि दर्श हम से बोलता था कि हम जा रहे हैं ब्रेकअप करने, जा रहे हैं ब्रेकअप करने, लेकिन फिर आता था कह रहा था भाई पैचअप हो गया। तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक यही होता रहा है कि ब्रेकअप करने जा रहा लेकिन पैचअप हो गया। तो भाई थोड़ा ब्रेकअप क्यों नहीं हो पा रहा है? वैसे आलू प्यार भी कुछ होता है कि नहीं होता है? और मैं तुम्हारे बारे में एक बात बोलना चाहूँगा कि जब हम लोग सेलेक्ट हुए थे तो हम सबको खुशी थी कि MBBS सेलेक्ट हो गया, MBBS सेलेक्ट हो गया, लेकिन इस बंदे को सब इस बात की खुशी थी कि अब घर से बाहर रहेगा और वहाँ पर खूब चिकन खाएगा, खूब बिरयानी खाएगा, कोई नहीं रोकेगा। और मैं मदर के बारे में बोलना चाहूँगा कुछ, ये मेरा फर्स्ट ईयर से पार्टनर था, फिर सेकंड ईयर हम लोग मतलब TG में रहते थे और थर्ड ईयर मेरी पार्टनर था, तो कभी केयरिंग था, मेरी चीज़ें मुझे अपनी जगह पर मिल जाती थी, लेकिन अब ये चेंज हो गया इसको तो मेरी चीज़ें फिर से मुझे मिलती नहीं है जल्दी। बॉस के बारे में सबसे खासियत बात यह है कि बॉस पूरे दिन में 24 में से 20 घंटे एक ही पोज में पड़े रहेंगे। पूरे चार साल बॉस का एक ही पोज में, जब भी कोई आएगा बॉस हमेशा ऐसे रूम में मिलेगा, बॉस का आईपैड खुल जाएगा, एक पर्स पड़ी हुई उसके ऊपर नया फोन, पुराना फोन, आईपैड सब रखा हुआ आगे, और एक मैच चल रहा है, एक में नजीज की वीडियो चल रहे हैं, मोबाइल में चैट भी हो रही है। बेचारा इतना अनलकी था, इसका बेड जो था वो गेट की तरफ था, आगे कोई भी बॉस की चैट भी सुन ले। बॉस एक चीज में मायर है, फट से अपनी चैट बंद कर लिया। बॉस तो रिफ्लेक्स में आ गए, एक बार बॉस फ्लिपकार्ट खोले हुए थे, मैं पहुंच गया, बॉस क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बॉस फर्स्ट ईयर में इतना छोटा सा कूलर लेके आए थे, ठीक है, अपने कमरे में, अभी वो भी फ्लिपकार्ट पे रिव्यू पढ़ के लाया था कि ये कूलर के रिव्यूज अच्छे हैं, मैं कूलर आया हूँ, और उसको बाल्टी में वो तो छोटा सा खुलता था, उसमें पाइप तो था नहीं, तो मग्गे भर भर के से पिलाता था उसको पानी, आधा घंटा लगता था उसको भरने में, और उस साला 15 मिनट में उसका पानी खत्म हो जाता था। उसको सिंफनी वाले को कर आता था कि लाल कूलर गलत दिए। सेकंड ईयर आया, उसी कूलर को चलाता था बड़े रोले में कि देखो मेरा सबके कूलर नीचे रखे, मेरा कूलर मैं चलाता हूँ, भाई का कूलर चोरी हो गया। सबसे अच्छी बात जो बॉस की है वो बॉस की राइडिंग है, बॉस की भूल जाते उनके पीछे कोई बैठा हुआ है, बॉस इतनी जगह होगी बॉस ऐसे बैठ करके, मतलब बॉस की बाइक पे, बॉस बाइक नहीं चलाते, बॉस खुद को चला पता नहीं धूम में बॉस क्यों नहीं आए, बॉस को क्यों उसमें स्टंटिंग के लिए नहीं लिया गया, इससे अच्छी ड्राइविंग कोई नहीं कर सकता। बॉस कभी राइट से ओवरटेक नहीं करते हैं, उसका एक रूल है अगर सामने बस है तो लेफ्ट से जाना है। बॉस का डिनायल गेम अभी तुमने अभी देखा होगा, इससे स्ट्रॉन्ग डिनायल गेम किसी का नहीं है। अगर कोई बॉस की उड़ा रहा हो तो बॉस डिफेंड नहीं करते, बॉस सामने के वाले को अटैक करते हैं। मेरी ड्राइव गंदी, साले तेरी भी तो गंदी है। मैं फोन पे बात करता, साले तू भी तो करता है। मेरा कूलर चोरी हो, साले तेरा भी तो हो सकता था। तू लेता तो तेरा भी होता साले। बॉस इस समय पिछले 2 मिनट से बहुत ज्यादा कंट्रोल करके बैठे हुए कि रिपीट नहीं करना है यार। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पहले मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलता था हॉस्टल के, जो एक बंदा है जिसने मुझे चीयरफुल करना और बाकी पूरा लखनऊ घुमाना सिखाया, तो वो कुशाग रहे। वाह वाह, टचिंग मोमेंट, टचिंग मोमेंट, टचिंग मोमेंट। भाई ये बात तो है, बॉस जब आए थे तो सीरियसली एकदम गीक, एकदम नर्ड था, बिल्कुल नहीं निकलता था कमरे से बाहर, एकदम कमरे। और अगर कोई सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है फाइनल ईयर तक आते आते तो बॉस। हेलो दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ से हमारा बचपन शुरू हुआ और इनका तो ख़त्म ही नहीं हुआ है। इनके बारे में मैं एक एक लाइन बोलना चाहूँगा। ये है हमारी गोल मटोल सी हमारे बैच की, कहीं ढलान पे इनको डाल दो ये पहुंच जाएंगी अपने जगह पे, कोई वो नहीं है। और लड़कों से ज़्यादा तो गुंडई इनसे सीख लो, सुल्तानपुर की हैं गुंडई, इनसे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, समझ लो। इसके बारे में बोले और इनके बारे में कोई सा भी बोतल दो अपने दांत से जरूर खोल सकते हैं, कुछ भी कहिए। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल। हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो के लिए जिस जगह पर बैठे हैं इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द कॉलेज। अब इसके बारे में जो बाकी बातें हैं वो सोमिल आपको बताएंगे। यहाँ पे कॉलेज की नर प्रजाति उपस्थित होती थी नैन सुख प्राप्ति के लिए। इस जगह का नाम था पिया मिलन चौराहा। सबसे पहले सबका इंट्रोडक्शन करवा देते हैं। सबसे उधर बैठे हुए हैं आलोक कुमार और बलिया, और बलिया। उसके बाद प्रवेश चौधरी आगरा से, उसके बाद सुशील कुमार वर्मा लखीमपुर खीरी से, उसके बाद सौरभ सारस्वत फ्रॉम बुलंदशहर, बहुत ही बुलंद आदमी है ये, उसके बाद सोमिल सिंह सुल्तानपुर से, और मेरा नाम आदित्य यादव आजमगढ़ से। जब क्लासेस शुरू हुई तो ये हुआ कि बाथरूम की भारी कमी हो गई,
तो कुछ लोगों ने उल्टे सीधे तरीके निकाले इसकी कमी से निजात पाने के लिए, कुछ लोगों ने नहाना बंद कर दिया, कुछ लोग थे जिन्होंने इज्जत त्याग दी, चले गए बीच मैदान में, न्यू सीवी के मैदान में ऊधम सिंह के बीप के पास और जाके खुले में नहाते थे। अब हम बात करते हैं अपने बम्बो ब्रांड के बारे में। बम्बो ब्रांड हमारे आदित्य यादव हैं, तो ये शुरू से ही थोड़े से फास्ट फॉरवर्ड रहे हैं। तो इनका सबसे पहला प्लान रहा सीनियर से कांटेक्ट करना, फ्रेशर पार्टी में रैगिंग ना हो और मारना पड़े पीछे से। तो इन्होंने कांटेक्ट किया अपने सीनियर से कि हमें मग्गा डांस में पार्टिसिपेट कराया जाए। तो इनको मग्गा डांस में पार्टिसिपेट कराया गया, बॉस ने बोला इनसे करने के लिए। तो इनकी तैयारी सबसे अलग थी, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया लेकिन इनकी जो मग्गा डांस की प्रिपरेशन थी वो सबसे अलग थी। इन्होंने अपनी लेग्स के पूरे मिड थाई तक बालों को ट्रिम किया था, हेयर्स को, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला इनके रूम पार्टनर को जो कि टाइम टू टाइम फील लेते रहते थे। अब मैं बात करूँगा इस ग्रुप के ऐसे मेंबर की जो कि शायद हम सब में सबसे दबंग रहे हों। रैगिंग के टाइम पर जब सबकी फटी रहती थी उस समय सुशील भाई हमारे रात के समय 12 बजे, इनको कोई रैगिंग का डर नहीं रहता था कि कोई सीनियर्स पकड़ लेगा, इनका फिक्स रहता था कि इनको चाहे कुछ भी हो जाए एक चाय पी के आनी ही आनी है। अभी हमसे बताया करते थे कि ये चार बाग जाते हैं चाय पीने, अब ये तो भगवान ही जानता होगा कि वहाँ ये क्या करने जाते थे। टीजी में जब हम लोग शिफ्ट हुए तो वहाँ की सबसे अच्छी बात ये थी कि सिंगल रूम मिले, तो रूम डबल से सिंगल हुआ, जब सिंगल हुआ तो खुद को एक्सप्लोर करने का भी थोड़ा मौका मिला, सबने खूब खुद उसको एक्सप्लोर किया। वहाँ कुछ एक्टिविटीज़ होती थी जैसे सुशील भाई का रूम में खाना बनाना, तो उसके लिए सबका प्रिपरेशन करना, सब लोग जाते थे, कोई सब्जी लेने जा रहा है, कोई बर्तन धोने का काम करता था, मुझे सब्जी काटने के लिए स्ट्रिक्टली मनाई थी क्योंकि मैं बहुत गंदी तरह से काटता था उनको, तो एक ये काम होता था। दूसरा टीजी में जाके हमको बाइक्स मिली तो सबने खूब लखनऊ घूमा, पूरा रात भर हम लोग लखनऊ घूमते थे, बट कैंपस आने के लिए हम लोग बाइक का यूज़ नहीं करते थे, ऑफन पैदल ही आते थे क्योंकि चाय पीने का हमारा शौक था, डेली हमारा कैंपस आना होता ही था। मैं जब फर्स्ट ईयर में आया था तो जब मैं अपने रूम में गया, रूम नंबर 33 न्यू सीवी हॉल, मैं अपने दोस्त अपने पार्टनर अपने मतलब क्या जो भी बोलो बहुत ही छोटा शब्द है, मैं रोहित से मिला। फिर रोहित से मिलने के बाद बहुत अच्छा लगा, मेरा लाइफ का सबसे अच्छा पार्टनर रोहित है और ये मेरे पूरे इस ग्रुप का चर्सी है। मूवीज में एक जादू था और हमारे ग्रुप में ये काला जादू है और टीवी पे लैपटॉप पे पता नहीं क्या क्या देखता है, बिग बॉस देखेगा, ये एमटीवी देखेगा, स्प्लिट्स वाला देखेगा, शायद मैंने तो सुना कॉफी विद करण भी देखता है। हाँ हाँ भाई, हाँ भाई, जब हम पबजी खेलते हैं जैसे ही ये लैंड होने वाले होते हैं इनके पास तुरंत डोनाल्ड ट्रंप का फोन आता है, भाई ऑफलाइन हो जाता है 2 मिनट के लिए, हमेशा का सिलसिला है। और हाँ एक बात और बताना चाहूंगा, अगर जब ये लैट्रिन करने जाते हैं अपना हैंड वॉश लेके जाए ना जाए पर इनका फोन जरूर जाता है, गिरता जरूर है और कई बार मुझे लग रहा है गिर भी चुका होगा। अविनाश के बारे में मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट ईयर का याद है जब हम लोग के पास बाइक नहीं हुआ करती थी, हम सभी लोग टैक्सी से जाते थे, तो अविनाश भैया टैक्सी में सबसे एंड में उतरते थे ताकि इनको किराया ना देना पड़े। हमारी स्पार्टन टीम्स के कप्तान लियोनाइडस ये हैं हमारे, विकास जी बनारस से, इनसे बात करिए आप लोग। पहली तो ये कि मेरा पड़ोसी था, घर का पड़ोसी, मैं बनारस से हूँ, मेरे घर के जस्ट बगल में है पड़ोसी थी पड़ोसन नहीं पड़ोसी ही है अभिषेक, और मुझे एक साल तक ये बात नहीं पता था कि वो मेरा पड़ोसी है, एकदम एग्जैक्ट बोलूँ तो रूम में नहीं, हमारा जब बैच पार्टी हुआ था तो वहाँ पे मुझे पता चला कि अभिषेक मेरा पड़ोसी है, उसके बाद तो हम वैसे मिले जैसे करण अर्जुन मिले थे। और दूसरी बात मैं अपने पार्टनर के लिए बोलना चाहूँगा, मेरा पार्टनर पंकज ये पीछे मेरे बैठा है, लौंडा कितना भी सख्त हो कोई भी पिघलता जरूर है भाई, पिघलता जरूर है, ये लिखवा लियो भाई, लियोनाइटस का स्टेटमेंट है ये। और तीसरी बात, रणविजय के लिए जमीर वाला आदमी है वो, इसलिए हम लोग उसे रणविजय जमीर वाले भी बुलाते थे। स्टार्टिंग करते हैं भाई, मतलब फर्स्ट ईयर से सीपीएम टीम सिलेक्शन के बाद मतलब यही था कि यहाँ पे जाके पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना है, यहाँ पे आए सीनियर ने भी बोल दिया कि मतलब ऐसे ही पास हो जाते हैं, और उसके बाद भाई मतलब ये बोलते थे मतलब सबसे पहले तो मतलब लड़कियों बारे में पूछते थे कि तुम्हारे बैच में कौन कौन माल है, तो भाई 3-4 लोगों का नाम छोड़ के बाकी सबका बता देते थे। उसके बाद फ्रेशर तक ये हुआ कि मतलब वो ये बोलते थे फ्रेशर तक करना हो तो कर लो नहीं तो कुछ नहीं होना, उसके बाद फ्रेशर तक वैसे भी नहीं कुछ हुआ, उसके बाद रेप्सोडी तक बता रहे थे, तो मुझे लगता था जैसे सेल की तरह है कि मतलब हाँ 50% ऑफ अभी हो जाएगा उसके बाद कुछ नहीं। डीएच काफ़ी याद करूँगा और मतलब भाई क्लासेस काफ़ी ज़्यादा याद रहेगा।
मेरा बहुत हो गया यार। अब हमारे ग्रुप के जॉन सीना के बारे में कुछ बातें हो रहे हैं। सबने जिसने 12 महीने के पैसे देखे 15 महीने जिम सबसे ज्यादा। वैसे अगर कोई टाइम का पाबंद बंदा है तो कार्तिक है, जो चीज को जब करनी होती है तभी करता है, भले तुम कितना भी बोल लो। आइडियल रूममेट है भाई, भाई बॉस बॉस कार्तिक के कमरे में, कार्तिक ने 90% ऑफ द स्पेस कार्तिक ने लिया था और बॉस ऐसे 10 ऐसा छोटा सा कोना बॉस को देते था और बॉस बॉस उस पे भी वो डिपेंड करते थे कि हाँ कि ठीक है मेरे को जगह की जरूरत कहाँ है, हवा ऐसे हो कैसे आ जाएगी। तब भी बॉस उसको हमेशा आइडियल रूममेट बोलते गए। टीजी में हर रात एक सड़ा हुआ केला बॉस के कमरे के बाहर रख के जाता था और बॉस अगले दिन बोलते थे यार आइडियल रूममेट तो कार्तिक है, कार्तिक के साथ ही रूम लेना चाहिए। ठीक है, अब अगला आरुष, इसको हमारे हॉस्टल में नारद मुनि बोला जाता है। नारद मुनि विद कुशिंग सिंड्रोम। भाई को पता नहीं क्यों पूरे कैंपस के वाईफाई के बारे में क्यों पता रहता है भाई, पता नहीं आईटी सेल का दोस्त है, जीजा है, पता नहीं क्या है, पूरे हॉस्टल एसपी हॉस्टल से लेके टीजी तक कौन सा राउटर चल रहा है, कब चलेगा, कब बंद है, कौन उसका सर्विस प्रोवाइडर है, भाई को सब पता है। क्यों भाई? और एग्जाम से पहली वाली रात सबसे खतरनाक होती है क्योंकि भाई रात में निकलता है हॉस्टल का राउंड, और अगर तुम्हारे कमरे की लाइट जली हुई बस, और अगर तुम्हें बाहर नहीं जाएगा, अगर तो कमरे से आप बाहर जाओगे, अगर तुम्हारा हल्का बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है कि हाँ तुम अगले एग्जाम में पास हो सकते हो तो आप गलत है, तो आप गलत भाई आके प्रूव करेगा कि आप गलत है। तो एक बंदा हमारे ग्रुप का जो भी यहाँ पे नहीं है क्योंकि शादी है उसके घर पे, वो है योगेश गुप्ता, और बहुत अच्छा आदमी था। आज हमारे बीच में नहीं है, हमारे बीच अपनी बहन की शादी करा रहा हूँ। कुछ ऐसी हरकतें जो हम लोग अगर आज कर रहे हैं तो कहा जाए तो हालत है, कहा जाए तो अगर महफिलें जमाई हैं तो योगेश ने जमाई है। अभी रिसेंटली का हम लोगों ने वो करवाया था रैप्सोडी, तो हमारे पाल पोजीशन में आ गए थे तो टशन में तो थे ही, दैजल दा स्टेट दा संस्थान का। इनका क्या हुआ कि ये प्रोग्राम फैशन वैशन करवा के आए थे तो कहीं की पता नहीं किसी की डीपी लगा लिए थे, तो डीपी लगाने पे बेचारे सुनाए बहुत गए थे उनसे तो परेशान थे, तो मैंने पूछा क्या हुआ भाई, कह रहा है क्या बताएं यार साला डीपी लगा सकते क्या अब हम, तो वही बात में बेचारे परेशान हैं। अब कहाँ परेशान रहते हैं, अखिलेश था तो हम लोग के ग्रुप में लड़की नहीं थी कोई है तो इसको लड़कियों को पार्टी देनी थी, तो कह रहा था ऐसे लड़के को सेट करते हैं जिसकी लड़के की दोस्ती हो उसको उसे इन्वॉल्व करते हैं और इससे उसके साथ पार्टी लेते हैं, तो वो लेके आएगा लड़कियाँ हमारे ग्रुप में लड़कियाँ ऐड हो जाएंगी। यहाँ पे हर साल सरस्वती पूजा होती है हर साल, लेकिन हमारे बैच ने एक ऐसा काम किया था जो कभी नहीं हुआ, हमने क्या किया था अखंड ज्योत लाए थे वैष्णो देवी से। हेलो एवरीवन, जब मेरा कॉलेज का दौर स्टार्ट हुआ तो मेरे तब कोई दोस्त नहीं थे, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले सुधांशु से मिला, सुधांशु मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त बना, उसके बाद मेरठ के सभी बंदों से मिला तो उनके बीच हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग बनी, अच्छा लगता था, तो इसलिए फिर मैं क्रिकेट भी खेला, तो उसके बाद मैं KGMU कॉलेज की ओर से बाहर भी खेलने गया और 2 बार चैम्पियन बन के आया, तो ये मेरे लिए काफ़ी अचीवमेंट रहा मेरे लिए। मेरा नाम अंशुल, वैसे मेरे दोस्त मुझे लाला बोलते हैं सबसे पहली बात चुप रहे मैं अपने बारे में एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जो अभी रिसेंटली हुआ है मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ, इन सब ने करा था, इन्होंने एक सस्पेंस भरा, मेरा बर्थडे बनाया था बड़ा तकड़ा। इन्होंने क्या करा, मुझे बुलाया, मैं रेडिंग रूम में बैठा था और इन्होंने मेरे से बोला कि आजा एक पंगा हो गया है। मैं पहुंचा SP ग्राउंड में, मैंने बाय चांस वैसे ही 10 मिनट बाद अपना फ़ोन चेक किया और देखा एक अभिषेक सोडियान ने उस पर एक मैसेज डाल रखा था कि अंशु कुमार मित्र का बर्थडे है सब ग्राउंड पे आ जाओ, और जस्ट मैंने जैसे देखा ये सारे के सारे मेरे साइड में खड़े थे और इन्होंने मुझे इस तरह घेर रखा था कि मैं कहीं से नहीं भाग पाया, ऊपर से नीचे के नीचे तक, पहले तो इन्होंने भागा भागा के मारा, फिर इन्होंने केक लाए, दीपक लाया केक, उसके बाद पता नहीं फिर से क्या चंगी चढ़ी, ये फिर आए इन्होंने मुझे उठा के और मेरे कारण GPL दबा के अच्छे से। और हमारे एक हैं अरविंद, अरविंद तो नाम है लेकिन ये हमारे नए बाबा हैं, उभरते हुए नए बाबा,
क्योंकि ये ज्ञान इतना देते हैं कि आप पक जाएंगे, ज्ञान सुनते सुनते ज्ञान के अंदर भरा पड़ा। अब की बार तो हम लोग सोच भी रहे हैं कि इनका कुंभ में भी एक तंबू गड़वा दे, तो कम से कम ये जीवर के ज्ञान तो दे लें। बैच में शायद ही कोई बंदा होगा जो 11 बजे सोता और 4 बजे जगता होगा। ऐसे 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 गलत चीजें पूरे हॉस्टल में नहीं होती, ये सब चीजें बैन है, मतलब हॉस्टल में तो बैन होती है, लेकिन ये इकलौते बंदे हैं जिनको योग मोक्ष और वो एक विपासना कर चुके हैं भैया, योगा कर चुके हैं, पता नहीं क्यों करते हैं, कुछ अंतर नहीं निकलता है, साल भर बीमार रहते हैं फिर भी करते हैं। मैं इसके बारे में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, एक डेढ़ साल पहले इनको एक ऐसा शख्स मिला जिसने इनकी पूरी जिंदगी बदल दी। पहले ये खूब बढ़िया से मांसाहारी हुआ करते थे, उसके मिलने के बाद ये एकदम सब कुछ त्याग दिए, ना मछली ना चिकन ना अंडा कुछ भी नहीं खाते हैं। अरविंद के बारे में एक बात और ये है, इनको फर्स्ट ईयर में एक लड़की पे क्रश था पर उन्होंने इन्हें धोखा दे दिया, तब से ये बाल ब्रह्मचारी बने हुए हैं। पोपट हो गया, पोपट पोपट। देखो यार यादें तो बहुत हैं, बताने के लिए बैठे तो पूरा दिन निकल जाएगा, पर क्या करें, इसी के साथ हम लोग अंत करना चाहते हैं। ओके बाय बाय बाय। ये था हमारा छोटा सा ग्रुप, लेकिन हमारी फैमिली सामने बैठी हुई है। हम सभी एक दूसरे को मिस करेंगे, इस कॉलेज को मिस करेंगे, इस कॉलेज के हर एक कोने को मिस करेंगे, और ये 4.5 साल हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे जो हम इस कॉलेज को दे के जा रहे हैं और बदले में ले जा रहे हैं यहाँ से काफ़ी सारी मेमोरीज़। जाते जाते हम बस यही कहना चाहते हैं कि हम सभी एक दूसरे को मिस करेंगे। चलो यार चाय पीने चलते हैं। एक जगह जो शायद हम सभी के लिए बहुत फेवरेट रही है वो है गांधी वार्ड की चाय। अब चलते हैं वहीं चल के कुछ बातें करते हैं। हम जिस जगह पे खड़े हैं वो है गांधी वार्ड, और ये मशहूर है अपने खूबसूरत चाय के लिए। ये हमारा फर्स्ट ईयर से ही सबसे पसंदीदा जगह है जहां हम हमेशा रेगुलर चाय पीने आते हैं, और यहां हमें सीनियरों से ज्ञान और आशीर्वाद अक्सर प्राप्त होते रहते हैं। एक चीज़ और, के GMC से जाने के बाद अगर हम किसी कहीं का चाय पीना चाहेंगे तो वो है गांधी वार्ड, यहाँ की चाय सबसे फेमस और सबसे टेस्टी है। कुछ भी कुछ जाते आते हमारे दोस्तों पे कुछ तड़कती बड़कती शायरी बता दो यार कोई। अरे बिल्कुल सुना के जाएंगे। इरशाद इरशाद। मुझे नहीं पता हंसी खुशी और क्या क्या तुम्हें मिला, वाह वाह, पर मुझे जो मिला वो मेरे दोस्तों के एहसासों का जज्बा मिला। हाय दोस्तों, यहाँ मैं सबसे ज़्यादा मिस करूँगा सैटरडे नाइट्स को, रणविजय के मुर्गे को, सैटरडे नाइट की पार्टीज़ को, और हम यहाँ पर TG हॉस्टल को मिस करेंगे बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ सबसे ज़्यादा मिस करूँगा अपने TG हॉस्टल को, अपने कैंपस और अपने बहुत सारे दोस्तों को, जो कि इसमें आपसे एक रणविजय, अभिंदर, विशाल, अभिंदर, अभिंदर, प्रंकज, सब सा बहुत सारे दोस्त हैं। रिचार्ज कराने वाले। मैं सबसे ज़्यादा अपने फर्स्ट ईयर का रैगिंग मिस करूंगा जिसमें मैं बहुत सारे फुल फॉर्म बताए गए थे। कॉलेज तो बहुत अच्छा है, सोचा नहीं था यहाँ पे आने के लिए लेकिन पहुँच गए। और यहाँ पे अपने दोस्तों को सबसे ज़्यादा मिस करेंगे, खासकर पटेल, हमारे आध्यात्मिक गुरु राहुल पांडे जी, हमारे रूम पार्टनर किके, और हमारे वर्मा, और ये हमारे बॉस सकाल बॉस। 4.5 साल का यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, पर हमारा जो फ्रेंडशिप है वो नहीं ख़त्म हो रही यहाँ पे, तो हम कुछ गाना चाहते हैं। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया फलक पे, मुझे ख्वाब से उठा के यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। मैं सबसे ज़्यादा अपने कॉलेज को मिस करूँगा, और अपने दोस्तों में राहुल को सबसे ज़्यादा मिस करता हूँ क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटरटेनिंग पर्सन है। मैं तो सबको मिस करूँगा, कैसा कोई नहीं है कि जिसे मैं मिस ना करूँ। अब सबसे ज़्यादा तो मैं कॉलेज को अपने मिस करूँगा। देखिए मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं यहाँ मोस्टली अपना फर्स्ट ईयर जो CV हॉस्टल था मैं उसको बहुत ही मिस करूँगा। एक्चुअली फाइनल ईयर तक आते आते थोड़ा हम बिज़ी, क्या कहीं ना कहीं हर कोई अपने आप में बिज़ी हो गया, कोई लड़कियों में तो कोई खेलने में तो कोई कहीं, बट हाँ जो भी था बहुत अच्छा था, कॉलेज बहुत अच्छा है, और हमको यहाँ के मतलब हमें क्या हर किसी को यहाँ जो भी आएगा बहुत बड़ी बात आने के लिए। हम जाते जाते बहुत बुरा लग रहा है कि हमको इस कॉलेज को छोड़ के जाना पड़ रहा है,
बट डेफिनेटली इस कॉलेज की मैं हर एक चीज़ को मिस करूँगा एंड आई एम श्योर कि सभी लोग उस चीज़ को मिस करेंगे। यहाँ की हर एक चीज़ हमको याद रहेगी, यहाँ का मॉर्निंग्स, यहाँ के वॉक करना कैंपस में, एक दूसरे संग मजाक करना, क्लासरूम्स में मस्ती करना, परेशान करना एक दूसरे को, ये सब चीज़ हम मिस करने वाले हैं। एंड ऑब्वियसली अपन बैचमेट्स को मिस करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग मिस करेंगे अपने प्यारे जूनियर्स को, अपने प्यारे जूनियर्स को जो कि ऑब्वियसली बहुत एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो हम सब वो मिस करेंगे, वो हम कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो डेफिनेटली थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू 2014 बैच। बाय बाय। क्या करूं हौले हौले जो मेरा दिल गा रहा है, क्या करूं धीमे धीमे से नशे में जो है जिंदगी, क्या करूं धीरे धीरे मैं बहका जा रहा हूं, क्या करूं थोड़ा थोड़ा तो असर होना है मुझ पे भी। सोए से कई अरमाहें जागे, क्या करूं कोई कोई सी है कहीं राहों में जिंदगी, क्या करूं नए नए सपने हैं मेरे आगे, क्या करूं थोड़ा थोड़ा तो असर होना है मुझ पे भी। It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again, when I see you again. Damn, who knew all the planes we flew, good things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days, hard work forever pays. Now I see you in a better place. See you in a better place. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. I see you again. We've come a long way, yeah, we came a long way from where we began. You know we started. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. Let me tell you. When I see you.